हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज लेट्स गो। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज लेट्स गो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 8 वीडियो ऑन द लेसन नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। बोथ टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं, उसमें से कुछ है कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट इररेगुलर नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम इरेगुलर प्लूरल नाउन्स के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलते हैं। सो एट इरेगुलर प्लूरल नाउन्स, एग्जांपल मैन, वुमेन, पीपल, फीट, टीथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इरेगुलर प्लूरल नाउन्स, इरेगुलर प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स दैट डू नॉट बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और यस, एज मोस्ट नाउन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज डू। You are probably familiar with many of these already. For example, plural noun of man is men, not mans. Irregular मतलब वो regular plural nouns का rule नहीं follow करते, उन पर yes और es नहीं लगता, वो अलग रहते हैं। जैसे man का हो गया men, वैसे woman का हो जाएगा women, ऐसे आप उनके साथ बहुत फैमिलियर है, आप उनको बोलते भी होंगे। सो इरेगुलर नाउन्स मतलब जिनमें एस और ईएस नहीं लगता, जो रेगुलर प्लूरल नाउन्स के अपोजिट है। रेगुलर प्लूरल नाउन्स बिकम प्लूरल बाय राइटिंग एस और ईएस टू एंड ऑफ द नाउन, बट इरेगुलर प्लूरल नाउन्स डज नॉट फॉलो द सेम रूल्स एज रेगुलर वेन बिकम प्लूरल। मतलब रेगुलर प्लूरल नाउन्स में क्या रहता है, उसमें एस और यस लगा दिया तो हो गया प्लूरल। पर इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं ना, वो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैन का हो जाएगा मैन का हो जाएगा मेन, वैसे आपको समझ आ रहा है ना। सो वो रेगुलर के अपोजिट रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।